हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज का टॉपिक है बुश 2-in-1। फ्रेंड्स, ये एफएम है, इसके अंदर रेडियो और कैसेट है, ये बताना चाहता हूँ। ये बुश कंपनी का है, इसका मॉडल नंबर है बुश TC और RAA। इसका मॉडल नंबर वापस एक बताना चाहता हूँ, बुश कंपनी का TCR88 इसका मॉडल नंबर है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दिखने में बहुत ही क्यूट है। मैं ये ऑन है कि ऑफ है वो भी मैं बता देता हूँ, लास्ट तक वीडियो देखना। आपको वीडियो के बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, और ये मैंने क्यों मंगाया, काय के लिए मंगाया वो भी मैं बताऊँगा। आप भी मंगाना रहेगा तो मैं आपको यही बताऊँगा कि मंगाने का क्या नहीं मंगाने का, तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना। वीडियो के बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप आधा वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आपको वीडियो के बारे में कुछ नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बुश कंपनी का है। किसके पास भी ये वाला मॉडल हो बुश का तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में तो फिर मैसेज करते रहना, कुछ ना कुछ मैसेज करिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, ये है वो है, बस सब लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मैसेज कीजिए, मैसेज से पता चल जाता है कि आपको कैसी चीज़ें पसंद है, क्या टेस्टिंग है, उससे मुझे आइडिया जाएगी तो मैं वो ज़्यादा टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा। फ्रेंड्स, तो कोशिश करना कि मैसेज करने के लिए। अभी इसके बाद मैं बता दूँ, ये बुश कंपनी का फ्रेंड्स, इसके साथ दो 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 कैसेट आती है, मतलब दो साइड में दो कैसेट लगेगी। और देखो, यहाँ पर FM का है, मतलब 4 बैंड का रेडियो है, यहाँ पर FM का है, और यहाँ पर अपना FM पे लेके आना है, कैसेट पे लेके आने का वो अलग है, आगे लेके सारी चीज़ें करता हूँ। ये दोनों नॉब है, ये दोनों नॉब ओरिजिनल है क्या नहीं है वो नहीं पता है। बस एक वाला देखो, यहाँ पर ये वाले ये दोनों है ना, वो टूट गए, मतलब एक है उसके अंदर का, वो अपन लगा सकते हैं। और इसका ये वॉल्यूम, मतलब ये है उसका टोनिंग का है, मतलब यहाँ पे टोन होता है। ये बुश कंपनी का है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए मैंने बाय किया। ये मैंने कितने दिन से वो अंकल के पास ट्राई कर रहा था लेने के लिए, वो अंकल ने नहीं दे रहे थे, तो बारिश में थोड़ा पानी भी लग गया था, तो मैंने इसको 2 डेज इसको ड्राई होने के लिए रखा, उसके बाद मैंने ऑन किया। मैंने सोचा था ये बंद होएगा, बंद ही होता, मैं हर चीज़ बंद वाला लेता। आप कभी टूटा फूटा रेडियो बंद वाला नहीं लेना फ्रेंड्स, कोशिश करना कि ना लेने के लिए, नहीं तो मज़ा चला जाएगा। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा। ऐसे इसके साथ में दो स्पीकर थे, वो दो स्पीकर नहीं थे अंकल के पास, ये वाला था बुश कंपनी का था, उसके लिए मैंने बाय किया, नहीं तो बाय नहीं करने वाला था। नेशनल का आता है, टेक्निक का आता है, फिलिप्स का आता है, तो मैं बोला सोनी का आता है, तो बोला बुश का है, कुछ अलग कुछ है नया, तो मुझे अच्छा लगा तो उसके लिए मैंने बाय किया। इसीलिए शो के लिए किया, उसके अंदर के सारे कंपोनेंट मुझे काम में आ जाएंगे, उसके लिए मैंने बाय किया। साथ करके मेरे को इसका एंटीना काम में आएगा, इसका एंटीना बहुत ही बढ़िया है, मैंने इसको सेट करके रखा है, कहाँ से टूटा फूटा नहीं है। बस इसके साथ में बस स्पीकर नहीं मिले, चलो ठीक है, स्पीकर नहीं मिले नो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इसके काम में जुगाड़ में आएगा। मैं इसको घुमाऊंगा तो चलो ठीक है, मैं घुमा के दिखा देता हूँ। मैंने उसको सेट करके रखा है, घुमा सकता फ्रेंड, चलो ठीक है, मैं लास्ट में बता देता हूँ मैं इसको ऑन होता है कि नहीं होता है, वो मैंने दिखा देखो। देखो, मैंने इसको पावर का लाइट यहाँ पे लगता है फ्रेंड्स। पहली बात तो पूरी तरह फ्रेंड्स ये डेड था, मैंने कम जगह पर मतलब W40 किया पहले पर, तो इसका पावर का वीडियो पता नहीं चला कि इसका पावर कैसे आएगा, तो मैंने प्लग लगा के थोड़ा पीछे से प्लग ऊपर नीचे किया तो हो गया, थोड़ा W40 भी मारा प्लग के इधर। W40 क्यों मारा कि वहाँ पर एक लॉक होता है, मतलब बैटरी का लॉक होता है, मतलब अपने अंदर सेल होएंगे तो वो लॉक हो जाएंगे, मतलब बैटरी के ऊपर असर नहीं होएगा पावर का, उसके लिए लॉक होता है वो, उसके ऊपर थोड़ा स्प्रे कर दिया, वो लॉक अंदर जाके नीचे बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके पावर लाइट आ रही है, आपको दिख रही है, मैं इसको छोटा फ्लैश लाइट हटा देता हूँ, आपको दिख रही है, हाँ यस देखो, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका पावर लाइट है, मतलब बहुत ही अच्छा है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, मैंने इसको FM पे नहीं रखा है, मैंने इस पर रखा है, ऑफ पिन पे रखा है, तो मैं इसको ऑन करके दिखा। मैंने इसके साथ में दो छोटे मैंने स्पीकर नीचे ऐड करके रखे हैं, दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर दो है लगा के रखे हैं। आपके पास भी ये वाला मॉडल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, बस इसकी आवाज़ थोड़ी कम क्यों आ रही है वो मुझे पता नहीं, पर परफेक्ट है। FM पे लेके आता हूँ, FM बजता कि नहीं दिखाता हूँ, ये मैंने FM पे लेके आया फ्रेंड्स। FM उसके ऑक्सीलेशन तो पूरी तरह आ रहा है, अपना FM पकड़ रहा नहीं,
वो खोल के ही देखना पड़ेगा। मैंने इसको पूरी तरह खोला नहीं, मैं बोला इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तो चलो ट्राई तो करते। FM आना चाहिए पर FM नहीं पकड़ रहा था। इसका मतलब कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब स्प्रे W40 तो वापस एक बार करना पड़ेगा उसके कांटेक्ट में। उसके लिए देखो FM भी वर्किंग है, बाकी सब कैसेट भी वर्किंग है। मैं आपको कैसेट का भी दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने कैसेट लिखा है, आप बोलेंगे वर्किंग कैसे, आपको कुछ भी चेक करना रहेगा अपना वर्किंग कैसेट है क्या नहीं। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको ओपन कर दे। ये देखो ओपन हो गया। बाद में उसको फ्रेंड्स प्ले पे डाल देना, प्ले पे बटन, देखो प्ले हो गया। बाद में उसको अपना हेड होता है ना यहाँ पे ऐसे टच कर देना, देखो आवाज आ रहा है ना, तो हेड के ऊपर अपन टच करेंगे ना तो फ्रेंड्स उसकी आवाज़ आ जाती। तो ये पूरी तरह वर्किंग है, टेप भी दोनों भी वर्किंग है, मैंने देख लिया। शो के लिए गीले कपड़े से रखूँगा ना बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके वो सही था, मतलब कैसे लबर इसका बेल्ट मेरे पास परफेक्ट, वो वाला बड़ा नहीं इसका, मेरे पास बेल्ट तो बहुत सारे हैं पर इसके साइज़ का नहीं था। इसके साइज़ का मैं लेके आऊँ क्या नहीं आया वो मुझे पता नहीं, पर मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला, मैं ऐसे ही शौक के लिए किया लाया हूँ। किसके पास भी चाहिए रहेगा ये बूस्ट कंपनी का तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं दे दूँगा। ऐसे ही कुरियर के पैसे होते वो चार्ज देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ऐसे ही दे दूँगा। फिर सोच समझ के बताना, मुझे मैसेज करना। मैं इसको वापस एक बार ऑन करता हूँ, कैसेट के ऊपर तो डाल दिया। रोहतक से वेलकम, ढूंढेंगे तो मिलेगा। Introducing the new Suzuki Avalis. The sportiest, heaviest ride in town. That's loaded with next generation GPS navigation. बड़ी वीडियो नहीं करता मैं, इसके सब कॉर्नर दिखा देता हूँ, नहीं तो मजा लूंगा। लास्ट में इसका वीडियो डाल देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा, बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो। देखो बंद हो गया, मैंने इसका पावर वायर निकाल दिया। इसके साथ में पावर वायर नहीं आता, कभी भी पावर वायर ले लेना। पावर वायर बहुत महंगी आती है, अभी 60-70 रुपीस की आती है। मैं लेने गया था एक बार तो मैंने नहीं ली, मुझे ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल चाहिए होती है। घुमा के दिखाता हूँ, मैं घुमाने के लिए सब निकाल देता हूँ। ये देखिए इसका बैक साइड नहीं दिखाऊंगा तो मज़ा नहीं चलाएगा। मैंने इसको खोल के रखा, मतलब इसके स्क्रू निकाल के रखे। ये देखो इसके यहाँ पर दो स्पीकर के वायर लगेंगे और यहाँ पे ऑक्स पिन लगेगा, मतलब अपन को उसके ऊपर बजाना है ना। तो ये देखो ये वाले तो मैंने यहाँ पे लगेंगे और स्पीकर दो बजे में लगेंगे, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही मेरे को लगा बजेगा नहीं, थोड़ा बारिश में गीला भी हुआ था तो अंकल को बहुत दिन से रिक्वेस्ट करा था दे दो तो अंकल ने मेरे पे कुछ दया आ गई, मतलब थोड़ी तो दे दी अंकल ने। और यहाँ पर उसका पावर वायर लगेगा। इसके एंटीना देखो ऐसे ऐसे कि अभी मैं इसके सारे कॉर्नर दिखाता हूँ। ये देखो कहाँ से टूटा फूटा नहीं, यहाँ पे दो स्पीकर थे, दो स्पीकर क्या मालूम वो अंकल ने बेचे ही रहेंगे किसको दे दी गए नहीं। देखो फ्रंट बाजू बहुत ही अच्छा है। ये देखो नीचे का भी दिखा देता, फ्रेश कंडीशन में। इसको मैंने गीले कपड़े से पोंछा नहीं, इसको गीले कपड़े से पोंछेंगे, बहुत ही अच्छा है, बहुत हैवी है। इसका ट्रांसफॉर्मर बहुत ही अच्छा है। मैं आगे लेके दिखा देता हूँ इसको। हाँ ये देखो बुश कंपनी का फ्रेंड्स। मैं इसमें लास्ट में उसका डाल देता हूँ। ये देखिए आगे लेके देखता हूँ बुश, बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये दिखने में। अभी कैमरा में कैसे दिखता है वो पता नहीं फ्रेंड्स, अभी अपन रियल में देखोगे ना बहुत बढ़िया सेट है ये। बुश कंपनी का TCR880 इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो बड़ी नहीं करूंगा, लास्ट में इसका वीडियो डाल देता हूँ, कैसे का लबर मिला वो भी ट्राई करता हूँ, मिल गया तो डाल देता हूँ। अभी तो मैं सीरियसली बोलता हूँ कि मेरे पास छोटे छोटे लबर से, इसके साइज़ का लबर नहीं है मेरे पास, बेल्ट बोला जाए लबर नहीं बोला, मार्केट में जाना पड़ेगा। पर मैं सोचता हूँ कि अभी मेरे को इसको बेल्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, तो मैं इसको यूज ही नहीं करना तो लाऊंगा क्यों, फिर भी ट्राई करता हूँ। कभी मार्केट गया तो लेके आऊँगा इसका बेल्ट, बाकी सब ओके, बाकी सब कुछ। FM का भी उसको खोल के देखूँगा एक बार, FM भी वर्किंग होएगा, ये सारी चीज़ वर्किंग है। तो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना, मुझे बताना फ्रेंड्स। और किसके पास भी ये मॉडल हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं ये स्टॉप करता हूँ। बाय फ्रेंड्स।